Hello everyone, I am TS study अजय. We purpose real analysis की first unit को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा topic है limit point of a set, मतलब किसी समूह का सीमा बिंदु. लिमिट पॉइंट पढ़ने से पहले हमें थोड़ा नेबरहुड, पिछले वीडियो में हमने नेबरहुड के बारे में पढ़ा था, तो उसको आना जरूरी है. तो थोड़ा नेबरहुड का हम रिवाइज कर लेते हैं कि किसी भी कि नेबरहुड ऑफ सेट पॉइंट क्या कहलाता है. जैसे कि हम कह रहे हैं कोई सेट है हमारा S, तो ये सेट है हमारा S यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. हम कह रहे हैं कि इसका कोई पॉइंट A इस सेट का नेबरहुड कहलाएगा. तो नेबरहुड क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, नेबरहुड होता है कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, मतलब कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है तो उसके लिए, तो इस A के पास के एक ओपन इंटरवल लेते हैं, तो A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन, ये इसका नेबरहुड कहलाता है. तो इसमें किसी भी पॉइंट के नेबरहुड बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ये इसका नेबरहुड है तो ये भी नेबरहुड हो सकता है, इससे कम भी नेबरहुड, मतलब जैसे ही एप्सिलॉन का मान हम जितना आगे बढ़ा जितना रखते हैं वही उसका नेबरहुड होता है, जैसे ये भी इसका नेबरहुड होता है, ठीक है. तो ऐसे ही ये नेबरहुड कहलाता है. तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड होता है ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन प्लस ए प्लस एप्सिलॉन, ये तो एप्सिलॉन के अलग अलग मान रखेंगे वैसा ही इसका नेबरहुड होता जाएगा. जैसे एप्सिलॉन का मान हमने रखा पॉइंट दो, तो इसका नेबरहुड हो गया ए माइनस पॉइंट दो ए प्लस पॉइंट दो. पॉइंट तीन रखेंगे तो किसी भी पॉइंट का हमें नेबरहुड लेना होता है तो बहुत सारे हो सकते हैं नेबरहुड. बस यहाँ हमें नेबरहुड का केवल इसको ही याद रखना है कि नेबरहुड क्या होता है. तो अब पढ़ते हैं लिमिट पॉइंट. तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं लिमिट पॉइंट की. बिंदु, कोई बिंदु ए जो कि एलिमेंट है आर का, कोई एक वास्तविक संख्या ए है, लिमिट पॉइंट ए, लिमिट पॉइंट कोई बिंदु ए किसी समुच्चय एस जो कि उपसमुच्चय है आर का लिमिट पॉइंट कहलाएगा. पॉइंट कहलाता है यदि, यहाँ हम रियल एनालिसिस की बात करते हैं तो इसलिए सभी आर पर ही लेंगे. तो हम कह रहे हैं कि कोई बिंदु ए किसी समुच्च एस का लिमिट पॉइंट कहलाता है. हमेशा लिमिट पॉइंट किसी सेट का होता है, ऐसे नहीं होता कि किसी बिंदु को उठा लिया तो ये लिमिट पॉइंट है, नहीं. हमेशा लिमिट पॉइंट किसी सेट का होता है, मतलब तो सेट में ही निकालते हैं लिमिट पॉइंट. तो वह लिमिट पॉइंट कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक नेबरहुड के बारे में हमने देख लिया था कि किसी भी पॉइंट किसी भी बिंदु का नेबरहुड बहुत सारे हो सकते हैं. तो ए का प्रत्येक नेबरहुड प्रतिवेश, हिंदी में प्रतिवेश बोलते हैं, ए का प्रत्येक नेबरहुड में ए के प्रत्येक नेबरहुड में उस सेट एस के अनंत इनफाइनाइट अवयव विद्वान हो. ये कह रहा है कि कोई पॉइंट ए जो कि रियल नंबर है वह किसी समुच्च एस का लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि
यदि ए का प्रत्येक नेबरहुड में एस के अनंत फॉन्ट एग्जिस्ट करते हों। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, बस पहले तो ये डेफिनेशन आनी चाहिए कि हमें ये याद होना चाहिए लिमिट फॉन्ट हमेशा किसी सेट का निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि उस फॉन्ट के जो लिमिट फॉन्ट होता है उसके हम नेबरहुड निकाल, जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। जैसे कि हमने एक ओपन इंटरवल ले लिया 0 से 1, ठीक है, ये हमारा एक एस है, ठीक है, ये सेट हो गई। अब हमें इस सेट के लिमिट पॉइंट निकालने हैं, तो सबसे पहले तो हमने ये एक डायग्राम से देखते हैं सबसे पहले कि ये हमने इंटरवल ले लिया, यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, तो सेट एस हो गया ये वाला, इसके बीच के सभी एलिमेंट सेट एस में है, ठीक है। अब हमें इनके लिमिट पॉइंट निकालने हैं, तो यहाँ पर पॉइंट 1/2, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, सब जगह होंगे, ये सब सेट के एलिमेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके देखते हैं, जैसे कि ये बाउंड्री के पॉइंट के लिए देखते हैं, 0 के लिए, ठीक है। तो हमें पता है कि सेट एस एक क्लोज सेट है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, जो भी इस लीनियर लाइन में जो भी एलिमेंट होंगे वो सब सेट एस के होंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है 0 एस का लिमिट पॉइंट है या नहीं, है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के नेबरहुड देखेंगे। तो पहले डायग्राम से देख लेते हैं, 0 का ये भी नेबरहुड है, ये भी नेबरहुड है, इधर भी नेबरहुड है, इधर भी नेबरहुड है, ठीक है, ये बहुत सारे नेबरहुड हो गए। तो हमें तो ये देखना है कि प्रत्येक नेबरहुड में, मतलब सबसे छोटे में देख लो, प्रत्येक नेबरहुड में एस के इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए। तो ये हमने छोटा छोटा नेबरहुड ले लिया, तो इसमें भी सेट एस के एलिमेंट आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि दो, यदि दो संख्याओं के बीच में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ए पर में सब, तो कोई छोटा से छोटा, कितना भी छोटा वो ले लो नेबरहुड, उसमें भी एस के अनंत पॉइंट होंगे, क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल बनेगा, ओपन इंटरवल में हमें पता है कि उसमें अनंत पॉइंट होते हैं। तो इससे हमें पता पड़ गया कि 0 इसका क्या है, नेबरहुड है, ठीक है। उसी प्रकार 1 के लिए देख लीजिए, देखिए ये इसका नेबरहुड है, इससे भी छोटा कोई सा भी नेबरहुड ले लो, ठीक है, कोई सा भी ले लो, उसमें भी एस के अनंत पॉइंट होंगे। अच्छा, 1 भी क्या है, इसका नेबरहुड है, ठीक है, ये तो नेबरहुड की बात हुई। ऐसे तो अब ये बाहर के पॉइंट है, तो अंदर के तो पक्का सभी नेबरहुड होंगे, सभी इसके क्या होंगे, लिमिट पॉइंट। तो कोई पूछे कि भाई 0 इस क्लोज इंटरवल के लिमिट पॉइंट क्या होंगे, तो हम लिख देंगे इसके लिमिट पॉइंट 0 भी होगा, 1 भी होगा, तथा बीच के सभी पॉइंट नेबरहुड लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है। उसी प्रकार हमें क्लोज इंटरवल के लिए देखते हैं, ओपन के लिए 0 1, ये एक ओपन, ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं, एक रियल लाइन है, इसमें हमने दो पॉइंट ले लिए 0 1 1, ओपन है, तो ये 0 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, इसमें 1 भी शामिल नहीं है, ठीक है। और नेबरहुड लेते हैं तो बीच के किसी पॉइंट का ले लेते हैं, जैसे 1/2 के लेते हैं कि 1/2 क्या इसका नेबरहुड है या नहीं। एक पॉइंट के लिए देख लिया, चलो इस पॉइंट के लिए देखते हो आप नेबरहुड नहीं, सॉरी लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले इस 1/2 के नेबरहुड देखते हैं, तो भाई इसके नेबरहुड ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हमें देखना है कि इसका प्रत्येक नेबरहुड में एस सेट के अनंत एलिमेंट होने चाहिए। तो बड़े में तो होंगे, सबसे पहले इसके लिए तो छोटा ही देख लीजिए, सबसे छोटे में होंगे, तो ये सबसे छोटा है, तो इसमें कितना भी छोटा ले लीजिए उसमें सेट एस के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ये पूरे ही सेट एस में, तो एक ओपन इंटरवल लेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो 1/2 इसका लिमिट पॉइंट है। तो इससे आया कि जो भी सेट के अंदर के एलिमेंट होंगे वो तो इसके
लिमिट पॉइंट होंगे। अब हम बाहर के एलिमेंट के लिए देखते हैं जीरो के लिए कि जीरो इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो जीरो का हमने क्या ले लिया, एक ओपन इंटरवल द नेबरहुड, तो जीरो का नेबरहुड ले लिया भाई, ये जीरो का एक नेबरहुड है, छोटा छोटा ले लिया, ठीक है। तो जीरो का नेबरहुड लिया, तो नेबरहुड में देखते हैं कि एस के एलिमेंट है या नहीं, सेट के एलिमेंट, तो इधर के तो होंगे नहीं, इधर के देखते हैं जीरो से प्लस तो होंगे, तो ऐसे ही जीरो इसका लिमिट पॉइंट होगा। उसी प्रकार वन भी इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो यदि कोई पूछे जीरो ओपन इंटरवल जीरो का लिमिट पॉइंट क्या होंगे, तो हम लिखेंगे इसके लिमिट पॉइंट जीरो भी होगा, वन भी होगा, तथा इसके बीच के सभी पॉइंट होंगे, मतलब क्लोज इंटरवल जीरो से वन। उसी प्रकार हम लिमिट पॉइंट की एक दूसरी डेफिनेशन देखते हैं कि लिमिट पॉइंट किसे कहते हैं। जैसे एक तो ये थी, एक ही है, दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा समझ कि ए एलिमेंट है आर का तथा कोई सेट एस उपसमुच है आर का, तो ए सेट एस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा कहलाता है यदि ए के प्रत्येक एलिमेंट, ए के प्रत्येक नेबरहुड में एस का कम से कम एक पॉइंट एक अवयव विद्वान हो एक को छोड़कर, मतलब कि एक उपसमुच एक पॉइंट ए है जो कि वास्तविक संख्या है, वो उपसमुच एस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा यदि ए के प्रत्येक नेबरहुड में एस का कम से कम एक पॉइंट विद्वान हो जिसमें ए शामिल नहीं हो, मतलब ए को हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब ए के अलावा, सॉरी ए के अलावा, मतलब ए के अलावा उसका कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सच दैट ए के नेबरहुड ले लिया हमने फोर एवरी एफ साइलेंट ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो ये इसका नेबरहुड ले लिया ए का, उसमें से हमने एस में से इंटरसेक्शन लिया, मतलब दोनों में से कॉमन लिया, तो ए को हटा लीजिए, उसके अलावा ये खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब इसमें एक एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। समझ आ रहा है ये कि ए का एक नेबरहुड ले लिया हमने प्रत्येक नेबरहुड के लिए, एस से हमने इंटरसेक्ट किया, मतलब कॉमन लिया इनमें से, इसमें से एक को हटा लिया, जब भी यह सेट खाली नहीं बचा, तो ये इसके लिमिट पॉइंट कहलाते हैं। तो लिमिट पॉइंट के दोनों, ये दोनों डेफिनेशनों में तो एक ही बात है, कोई सी भी लिख सकते हैं अपन लिमिट पॉइंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एंड प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, तो वही सबसे पहले इसे हम रियल लाइन से देखेंगे कि भाई प्राकृत संख्याओं में क्या होता है, एक ये दो ये तीन ये चार ऐसे, ये प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। अब इनके लिमिट पॉइंट देखने, जैसे कि भाई प्राकृत संख्याओं का एक लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो हम देखते हैं वही एक के नेबरहुड ये ले लिया नेबरहुड, बहुत सारे होते हैं, ये भी नेबरहुड है ये भी नेबरहुड है, तो सबसे छोटा वाला देखते हैं हम, क्योंकि यदि छोटे वाले में है यदि एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं तो बड़े में तो अपने आप ही होंगे, इसलिए इसके लिए देखते हैं ये इसका नेबरहुड है,
तो इसका नेबरहुड हो गया, इसके नेबरहुड में एन का एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये नेबरहुड यही है, एन का अगला एलिमेंट दो है जो इतनी दूर है, इसलिए एक, तो इसे थोड़ा दिखा लेते हैं, एक का नेबरहुड ये रहा, इसमें से हमने एन में से कॉमन लिया तो माइनस एक के, एक को हटा लिया, उसके अलावा इसमें कोई भी ये खाली आता है, मतलब एक के नेबरहुड में से हमने एक हटा लिया तो एन में से देखा तो इनमें से कॉमन लिया तो कुछ भी खाली कॉम आया, तो इसलिए एक एन का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी प्रकार दो भी एन का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि दो के भी हमने वो ले लिया, तो दो के नेबरहुड में एन का एक भी एलिमेंट नहीं आया, क्योंकि दो के बाद में एन में डायरेक्ट तीन है, इसलिए दो भी एन का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इससे आ गया एन, एन का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं, पॉइंट नहीं होता, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं क्यू का परमेय संख्या, तो वही रियल लाइन पर देखते हैं, ये जीरो, ये वन, यहाँ परमेय संख्याएं होंगी जो जो क्यू में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं क्यू का, और यहाँ पर अपरमेय संख्या भी होंगी, ठीक है, ये तो रियल लाइन की बात है। अब देखते हैं क्यू के रियल, जैसे क्यू का कोई पॉइंट उठा लिया हमने जीरो, ठीक है, अब देखते हैं जीरो इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले वही जीरो का कोई नेबरहुड ले लिया, ये इसका नेबरहुड हो गया छोटे से छोटा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जीरो के नेबरहुड में हम जानते हैं कि एक ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट परमेय संख्या होंगी, इनफाइनाइट अपरमेय संख्या होंगी, इसलिए इसके नेबरहुड में कोई कितना भी छोटा ले लीजिए, इसके नेबरहुड में तो कम से कम जीरो को छोड़ के कम एक पॉइंट तो परमेय संख्या हो गई, इसलिए देखिए इंटर टेक्स किया, ठीक है, माइनस जीरो, तो ये फाइव नहीं आया, तो इसका मतलब हो गया कि जीरो एक क्यू का लिमिट पॉइंट है। तो क्यू इसी पर कोई सा भी एलिमेंट, मतलब परमेय संख्या तो क्यू का एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट ले लेंगे वो होगा। अब अपरमेय संख्या की बात करें कि हम पूछे कोई अपरमेय संख्या जैसे अनरूट दो, ये क्यू का लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो वही देखते हैं भाई, ये यहाँ एक, तो ये अनरूट टू यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी संख्या परमेय अपरमेय, ठीक है। अब ये देखना है कि ये क्या, भले ही ये अनरूट दो क्यू का एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये लिमिट पॉइंट हो सकता है, देखते हैं। तो इसका कोई नेबरहुड ले लिया हमने, ये नेबरहुड ले लिया इसका, ठीक है। अब ये ओपन इंटरवल होते ही हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारी परमेय तथा बहुत सारी अपरमेय संख्याएं होंगी, दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी परमेय और बहुत सारी अपरमेय संख्याएं होंगी, तो इसके बीच में परमेय संख्या भी आ रही है, तो हम यदि इसे क्यू से इनमें से कॉमन लें और कॉमन लें तथा माइनस टू को घटा लें, जब भी ये खाली नहीं रहेगा, कम से कम एक एलिमेंट तो आएगा, सीधी सी बात है, तो अंडर टू भी क्यू का लिमिट पॉइंट है। तो इससे हमारे समझ में आ गया कि क्यू का लिमिट पॉइंट परमेय तथा अपरमेय दोनों होते हैं, सभी परमेय व अपरमेय अवयव होते हैं, तो परमेय अपरमेय दोनों मिलके क्या बनती है, रियल लाइन, वास्तविक संख्या।